रेस्टोरेंट के पास खान बिरयानी फिर से खुल तो गया है, लेकिन खान बिरयानी को चला रही शमशाद नवाजिश खान डर के साए में जी रही हैं। उन्होंने मदद के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। बता दें कि खान बिरयानी के मालिकाना को लेकर विवाद चल रहा है। शमशाद नवाजिश खान ने ये दुकान लीज पर ली है। उनका इल्जाम है कि लीज की मियाद खत्म होने से पहले ही दुकान खाली करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। कई बार हंगामा भी हो चुका है, उनकी दुकान में ताला लगा दिया गया था, उन्हें धमकी दी जा रही है, उन पर हमला भी हो चुका है जिसकी रिपोर्ट वो पुलिस में दर्ज करा चुकी हैं। शमशाद नवाजिश खान ने कहा कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना दुकान खोल तो लिया है, लेकिन लोकल पुलिस से उन्हें सही मदद नहीं मिल रही है। कुछ लोग फिर से उन्हें धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें मुंबई का निवासी बताया जा रहा है, जबकि वो बंगाल की बेटी है, यही उनका घर है। शमशाद नवाजिश खान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री भी एक महिला है, उनका दर्द समझ सकती है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। पहले एक दिन पहले जब ताला लगा के लोग मेरा चाबी लेके चले गए थे, और 10 महिलाएं हैं और जितने भी पब्लिक, जितना भी जो झमेला हुआ, उसके बाद मैं डीसी ऑफिस ममता जी को लेटर भी लिखा है, और मैंने कोर्ट से बात करके डीसी ऑफिस में बात करके उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि आपका पोजीशन है। मुझे थाना भी बोला है कि आपका पोजीशन है, ओसी बोला है आपका पोजीशन है, आप जा सकते हैं, आप अपना ताला खोलिए। तो मैं अपने पोजीशन पर आज यहाँ हूँ। लोग मुझे चीटिंग फ्रॉड बहुत तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इस पोजीशन पर हूँ। मैं आज दूसरा दिन है आज मेरा, मेरे रेस्टोरेंट पर मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है। मुझे अगर मैं ख़राब होती, अगर मैं चीटिंग की होती, अगर मैं फ्रॉड की होती, तो आज मैं ये रेस्टोरेंट पर नहीं होती। तो आज मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर ना पुलिस प्रशासन मुझे निकाल पा रहा है, ना कॉर्पोरेट, क्योंकि मैं राइट पर हूँ। मेरा एग्रीमेंट जैसा किया हुआ है, मेरा जिस तरीके से मेरा पूरा पेपर किया हुआ है, वो मैं राइट पर हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। इसीलिए आज मैं अपना बिजनेस सही से रनिंग कर रही हूँ, फिर से नॉर्मल फेस पर आ गई हूँ। मुझे डीसी ऑफिस से हेल्प मिला है, मुझे कोर्ट से मिला है, मुझे थाने में बात चल रहा है। थाना थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन लाल बाजार थाने से मुझे पूरा कोऑपरेशन दिया जा रहा है, मुझे सेफ्टी दिया जा रहा है, मेरा पूरा सिक्योरिटी। जब जब यहाँ हूँ लाल बाजार थाने से लोग मेरा सेफ्टी देते हैं। आज सुबह में तो जिनको अरेस्ट हुए थे, जो ऑनर अपने आप को साबित कर रहे थे कि वो यहाँ के ऑनर है, मैं यहाँ टेनेंट हूँ, वो उन अरेस्ट हुए थे। उनकी भाभी अरेस्ट हुई है, उनका भाई अरेस्ट हुआ है, और गुड्डू नाम का जो गुंडा है वो भी अरेस्ट हुआ है, वो भागा हुआ है। ताज और गुड्डू भागा हुआ है, और दो जन अरेस्ट हुए। आज मॉर्निंग में वो आया, आके बोला कि मेरा जगह है, हमसे फिर से झमेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पीस में हूँ लाल बाजार, और पूरा डीसी ऑफिस मैंने मुझे सपोर्ट दिया है। बनर्जी को मैंने लेटर भेजा है। मैं मुंबई के रहती हूँ, सही बात है, लेकिन हमें एक बंगाली में हमें एखे थी। नमस्कार মমতা ব্যানার্জী ম্যাম, আমি আপনাকে একটা লেটার দিয়েছি। আমার সাথে খুব অন্যায় হচ্ছে, এখানে মারধর হচ্ছে, পার্টি পলিটিক্স আমার সাথে মারধর করছে, আমাকে বার করার চেষ্টা করছে। আমি এখানে বাসিন্দার, আমি হুগলি জেলার মেয়ে, আমি বাঙালি, আমাকে ডাকাচ্ছে কি আমি বোম্বেতে থাকি, আমি এখানকার নয়, আমি বাইরের দেশের, কিন্তু আমি এখানকার বাঙালি ম্যাম, আমাকে একটু হেল্প করুন। পুলিশ আমাকে একটু সাইলেন্ট বিহেভ করছে, কিন্তু লালবাজার থানা আমাকে কোঅপারেশন দিচ্ছে, কিন্তু পার্টি পলিটিক্স আমাকে প্রেশার দিচ্ছে, কাউন্সিলর প্রেশার দিচ্ছে। আমার এখনও ডেলি সিকিউরিটির আমার টেনশন হচ্ছে, ডেলি সিকিউরিটি টেনশন আছে ম্যাম, আমাকে একটু হেল্প করুন। আর ইয়ে যে ম্যাম, তো মমতা ব্যানার্জিকে একটা লেটার দিয়েছি আমি, একটু লেটারটা দেখুন। আমি ম্যামের কাছে হেল্প চেয়েছি যে ম্যাম আমাকে দেখুন, আর পার্টি পলিটিক্সের একটু ব্যবস্থা করুন। জি, ও লোক তো বলেন, আমি তো এখানকার বাঙালি, আমার এখানে অ্যাড্রেস প্রুফ সব আছে। মেরা শাদি মানে আমার বিয়ে বোম্বেতে হয়েছে, তাই জন্য আমি বোম্বেতে থাকতাম, কিন্তু আমার এখানে জন্ম হয়েছে, এখানে জন্মস্থান। আর চ্যানেল যে বল রা হ্যায় কি মে ইয়াহাঁ কা ফ্রড হুঁ, তো মে ফ্রড নি হুঁ, মে ইয়াহিঁ কি হুঁ। মেরে পাস পেপারস হ্যায়, ডকুমেন্টস হ্যায়, কোর্ট মুঝে ইয়াহাঁ অলাউ কিয়া হ্যায়, কোর্ট মুঝে ইয়ে তালা ইয়াহাঁ পর জব মে প্রবেশ কি হুঁ, কোর্ট মুঝে অলাউ কিয়া হ্যায়, ডিসি অফিস সে অলাউ হুয়া হ্যায়, মেরা পুলিশ লাল বাজার মুঝে হেল্প কিয়া হ্যায়। মে ফ্রড তো হুঁ নহীঁ, আগর ফ্রড হোতি তো আজ মে ইয়ে রেস্টুরেন্ট পে নহীঁ হোতি, নহীঁ তো কোই ভি ফ্রড কা হামারা कानून, हमारा कोर्ट, हमारा संविधान कोई भी हमें ऐसा अलाउ नहीं करेगा कि फ्रॉड करने के बाद आप फिर से वो जगह पे फिर से रिवर्स आ पाए। मैं आज मेरे रेस्टोरेंट पे हूँ, और मैं किसी को फ्रॉड नहीं किया, मैं अपने जगह पे खड़ी हूँ। जो फ्रॉड किया हुआ है वो भागा हुआ है, उनका दुकान बाजू में है, बंद पड़ा है, वो अरेस्ट होने के डर से वो भागे हुए हैं, वो फ्रॉड है, जो भागे हुए फ्रॉड है। मैं तो यहीं अपने जगह पे पोजीशन पे हूँ। মমতা ব্যানার্জী আমাকে একটু হেল্প করুন, আমাকে দেখুন, আমার খুব সমস্যা চলছে। আমি একটা মেয়ে মহিলা, লোকে খালি বলছে একটা মহিলা কার্ড খেলছি, আমি মহিলার কার্ড খেলিনি, মহিলার সাথে এটা হচ্ছে। আমি একা, বাকি কাউন্সিলর, পার্টি অফিস সবাই মিলে আমাকে ডেলি হামলা করার চেষ্টা করছে, তাও আমি এখানে টিকে আছি। আর কতদিন এমনি টিকে থাকতে পারবো জানি না ম্যাম, কিন্তু আমাকে একটু দেখুন, বাস একটু হেল্পের গুহার করছি ম্যাম।